हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम लेटेस्ट अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लेटेस्ट में इवेंट्स हुए हैं या जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। तो गाइस, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपका रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को लेकर है। क्या है इन्फॉर्मेशन आपके सामने है क्वेश्चन। उसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हाल ही में फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो साउथ एशिया का सबसे पहला रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है? साउथ एशिया के अंदर, और ये साउथ एशिया का सबसे पहला रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट है। तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी वर्ल्ड बैंक ने ऐसा किया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये किया गया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो आपकी विश्व बैंक है उन्होंने ढाका में बांग्लादेश सरकार के साथ 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ ये समझौता किया है, यानी फाइनेंशियल एग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो कितने कितने का साइन हुआ है? 358 मिलियन डॉलर का ये जो स्कीम है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये इतने पैसों में साइन की गई है। और ये कहाँ लॉन्च की गई है? दक्षिण एशिया में, यानी साउथ एशिया में ये लॉन्च की गई है। ये आप इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये दिया गया है कि ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है इसका क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जो वर्ल्ड बैंक ने इसको लॉन्च किया है, क्यों कारण, मतलब क्यों इसको लॉन्च करना पड़ा। रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट है, नाम से ही पता चल रहा है कि रोड सेफ्टी को लेकर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। जो आपके नेशनल हाईवेज हैं, जो रोड्स हैं, उसमें जो एक्सीडेंट होते हैं जिससे डेथ रेट जो बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। जो बांग्लादेश में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, कौन से नेशनल हाईवेज पे लॉन्च किया गया है? तो एक है आपका गाजीपुर एलेंगा, जिसका नाम है N4 शॉर्ट में, और दूसरा है आपका नारदौर नवाबगंज, जो जिसका शॉर्ट में नाम है N6। तो ये चीजें आपको याद रखनी। आपसे पूछ सकता है कि बांग्लादेश के किन दो राष्ट्रीय राजमार्गों पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, तो यहाँ आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका ड्रोन से रिलेटेड है। इंडिया ने क्या किया है, अभी एक ड्रोन परचेज किया, यानी कि खरीदा है। किससे खरीदा है, क्यों खरीदा है, इसके बारे में जानते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश के रक्षा मंत्री, मैंने आपको अभी अभी आंसर बता दिया, फिर भी हम क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। क्या हुआ है कि इसमें पूछ रहा है कि किस देश के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका के साथ 30 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन को खरीदने की मंजूरी दी है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ आपका इंडिया ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये साइन, ये अप्रोजल क्या किया है, लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने 30 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन को खरीदने की मंजूरी दी है। किससे? अमेरिका से। इसके बारे में जान लेते हैं ये है क्या। तो ये ड्रोन है जिसका नाम है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका से 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन को खरीद के लिए मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन की राजकीय यात्रा, यानी कि नरेंद्र मोदी जी अभी और यात्रा पे निकलने वाले हैं, अभी गए नहीं हैं, बट उनकी विदेश यात्रा होने वाली कहाँ होगी? वाशिंगटन में होगी। तो उस यात्रा के दौरान यानी कि जब वो वहां पहुंचेंगे तो वहां इस बात की घोषणा की जाएगी, इस बात की उम्मीद है। लेकिन पहले ही रक्षा मंत्रालय जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि हाँ हम खरीद कर रहे हैं, मंजूरी उन्होंने दे दी है। उसके बाद कह रहा है कि ये जो ड्रोन खरीदा जा रहा है इसकी नीड क्या है, क्यों खरीदा जा रहा है, क्या मतलब आवश्यकता पड़ गई इंडिया को कि उन्हें ड्रोन खरीदना पड़ रहा है अमेरिका से। तो इसको खरीदने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भारत की सीमाएं हैं, लैंड एरियाज की और सी एरियाज की, उन पर निगरानी रखा जा सके, क्योंकि निगरानी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे ये पता चलता है कि कोई आक्रमण तो नहीं कर रहा, कोई हमारी सीमा में घुसपैठ तो नहीं कर रहा। तो उसके लिए निगरानी बहुत जरूरी है, तो इसलिए निगरानी रखने के लिए ये ड्रोन खरीदा जा रहा है। तो यहाँ आपको दिया भी गया है कि इस उन्नत ड्रोनों के अधिग्रहण का उद्देश्य यही है, यानी कि इसको खरीदने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भारत की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना और अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करना है।
ड्रोन के बारे में जान लेते हैं। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये ऑटोमेटेड है, यानी ऑटोमेटिकली ये आपका लैंड करेगा और अपने आप ही ये उड़ान भरेगा, ऑटोमेटेड है। उसके बाद ये कितना वेट कैरी कर सकता है, यानी जब ये हवा में उड़ेगा तो कितना वेट अपने साथ लेके जा सकता है, तो 5,670 वेट ये अपने साथ कैरी कर सकता है। वीपन्स भी ये अपने साथ ही रखेगा। इसकी विशेषता ये भी है कि निगरानी तो रखेगा ही रखेगा, लेकिन अगर इसे फील होता है, यानी कि जैसे ये आसमान में उड़ रहा है, निगरानी रख रहा है सीमाओं पे, और इसे फील होता है कि नहीं इसके आसपास कोई अदर मिसाइल है या ड्रोन है जिस पे आक्रमण करने वाला है, तो ये क्या करेगा, हवा में ही ऑटोमेटेड उस मिसाइल पे या उस ड्रोन पे आक्रमण करके उसे नष्ट कर देगा। तो ये कैपेबिलिटी भी इसके अंदर मौजूद है। इसके बाद और इन्फॉर्मेशन जानते हैं इसके बारे में। यहाँ दिया गया है कि ये कौन किसका वेरिएंट है, ये आपका एक वेरिएंट है किसका, MQ-9 का, यानी MQ-9 जो ड्रोन था उसी का ये वेरिएंट रूप है जिसका यूज किया गया था काबुल में अलकायदा नेता ऐमान अल जवाहिरी को मारने वाली हेलफायर मिसाइल को संशोधित संस्करण को लॉन्च करने के लिए किया गया था। उसके बाद इसके जो दो वर्जन है, यानी MQ-9B जो परचेज किया जा रहा है अमेरिका से, कौन परचेज कर रहे हैं, इंडिया, इसके दो वेरिएंट है, एक है स्काई गार्जियन और दूसरा है सी गार्जियन। स्काई गार्जियन का काम यह है कि आसमान पे रहकर लैंड की जो सीमाएं हैं उन पे ये फोकस करेगा, उन पे निगरानी करेगा, और सी गार्जियन का मतलब ये है, सी गार्जियन यानी समुद्र की निगरानी करेगा, तो ये आसमान में रहकर, यानी जो आसमान में उड़ेगा और साथ ही साथ जो समुद्र की सीमाएं हैं, जो आपका अरेबियन सागर है वहां पास ये नजर रखेगा। तो ये दोनों इसके वेरिएंट हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो MQ-9 की सुर्खियों में था वो क्या है, वो एक ड्रोन है, किसने खरीदा है, अमेरिका से खरीदा है, सॉरी कहाँ से खरीदा गया है, अमेरिका से खरीदा गया है, किसने खरीदा है, इंडिया ने खरीदा है। वेरिएंट कौन कौन से हैं, दो वेरिएंट है, सी गार्जियन एंड स्काई गार्जियन। और उसके बाद ये 40,000 फीट ऊंचाई पर उड़ेगा, और इसकी खास बात ये है कि ये लगातार 40 घंटे तक उड़ सकता है, यानी आसमान में कितने घंटे तक रह सकता है, 40 घंटे तक ये रह सकता है। और उसके बाद ये टेक ऑफ लैंडिंग एक साथ मतलब ऑटोमेटेड करेगा, इसको ऑटोमेटेड ही अपने आप लैंड कर जाएगा और ऑटोमेटेड ही टेक ऑफ कर लेगा। तो ये इसका मेन जो फीचर्स हैं ये मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी विंड एनर्जी को लेकर है, यानी जो आपकी ये वायु ऊर्जा, जो वायु से ऊर्जा बनाई जाती है, इलेक्ट्रिक बनाई जाती है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन आइए जान लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, इसमें ये पूछा गया है कि विंड एनर्जी में सबसे टॉप अचीवर पे कौन सा स्टेट रहा है, यानी ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने पवन ऊर्जा में टॉप पर रहा है, यानी पवन ऊर्जा बनाने वाला, प्रोड्यूस करने वाला सबसे टॉप पर कौन सा स्टेट है, ये आपसे पूछा गया है। सिंपली क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका थर्ड ऑप्शन है सही हो जाएगा, राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है। सबसे ज्यादा विंड एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, राजस्थान करता है। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं, किस मिनिस्ट्री ने ये अनाउंस किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ये अनाउंसमेंट की है कि राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है। अभी हाल ही में ग्लोबल विंड डे मनाया गया था, कब मनाया गया था, 15 जून को, कहाँ मनाया गया था, न्यू दिल्ली में मनाया गया था थर्सडे को, जिसमें ये घोषणा की है कि आपको जो राजस्थान है वो फर्स्ट नंबर पे है, गुजरात जो है विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला सेकेंड नंबर पर राज्य बन गया है, और थर्ड नंबर पर कौन है, तमिलनाडु है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, राजस्थान, सेकेंड नंबर पे कौन है, गुजरात, थर्ड नंबर पे कौन है, तमिलनाडु। किसके लिए है, विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले स्टेट। कब ये अनाउंसमेंट हुई है, 15 जून को हुई है। क्यों हुई है, मतलब किस इवेंट पे हुई है, तो ग्लोबल विंड डे के इवेंट पे हुई है, जो इवेंट न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है ये आपका डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स से रिलेटेड है। यहाँ आप देख भी रहे होंगे, ये आपके चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अरुण कुमार, जिन्होंने एक थर्ड एडिशन यानी डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का थर्ड एडिशन लॉन्च किया है, जिसमें इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। क्या इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन में ये दिया गया या ये आपसे पूछा गया है कि जो जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया गया है उसमें सबसे टॉप पर कौन है,
यानी जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा जिला सबसे टॉप पर है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, यहाँ आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ जो आपका ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जम्मू, यानी जम्मू आपका सबसे टॉप पर है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। तो किसने अनाउंसमेंट की है? चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी ने ये इन्फॉर्मेशन दी है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, और उन्होंने थर्ड एडिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया है, रिलीज किया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो जम्मू कश्मीर का जम्मू जिला है वो फर्स्ट नंबर पर है, सांबा जो है वो सेकेंड नंबर पर है, और श्रीनगर जो है आपका थर्ड नंबर पे है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, फर्स्ट नंबर पर कौन से है? जम्मू, सेकेंड नंबर पे सांबा, और थर्ड नंबर पर श्रीनगर। किसके अकॉर्डिंग? डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। कहाँ का ये इंडेक्स है? ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है आपका इंडिया बिगेस्ट नेचुरल आर्क। आर्क क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से कई सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि आर्क क्या होता है। यहाँ जो आप ये राउंड फिगर देख रहे हो ना, ये जो नेचुरली फॉर्म होता है, यानी इसको बनाया नहीं जाता, आर्टिफिशियल नहीं होता, ये नेचुरली होता है, इसी को कहा जाता है आर्क। तो इंडिया का बिगेस्ट नेचुरल आर्क फाइंड किया गया है, उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। क्या है इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के सबसे बड़े नेचुरल आर्क की खोज की है। ये खोज कहाँ हुई है? उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में हुई है। पूछ रहा है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये खोज की है। ऑप्शन आपके पास, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपको बताना है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिसर्च की है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये रिसर्च की है, जिन्होंने ये इंडिया का बिगेस्ट नेचुरल आर्क डिस्कवर किया है, जो कि कहाँ है? जो आपका उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में पाया जाता है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। फिर उन्होंने बताया कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI की राज्य इकाई ने सुंदरगढ़ वन प्रभाग की कनिका रेंज में, किस रेंज में? कनिका रेंज में प्राकृतिक आर्क को भू धरोहर स्थल घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। अगर ये प्रस्ताव मान्य हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा? इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क बन जाएगा। इसके अलावा इंडिया में दो और आर्क पाए जाते हैं, एक तिरुपति में है जो कि तिरुमाला पहाड़ियों में है, और दूसरा अंडमान और निकोबार में है। ये दोनों ही इससे छोटे हैं। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा आपका उड़ीसा का सुंदरगढ़ वाला आर्क हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने टॉप 5 न्यूज डिस्कस की हैं। अगर किसी न्यूज को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी इंफॉर्मेशन को आप लेकर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो PDF है ये आपको फ्री में टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और ये PDF इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आपको डेली ही ऐसी ही करंट अफेयर्स यानी करंट इवेंट्स जो होते हैं, करंट इंफॉर्मेशन जो आती है, करंट प्रोजेक्ट जो आते हैं, इनसे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, साथ में फ्री PDF भी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।